हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं BHEL की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो BHEL में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में आज एक सडन अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है और स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिली है वो लेवल था अराउंड यहाँ कहीं 236। स्टॉक में बुलिशनेस देखने को मिली और स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहीं पर और फिर स्टॉक अच्छी तेज़ी के साथ ऊपर की दिशा पकड़ी। अब हर्डल भी कहाँ फेस हुआ, तो आप देखें 275 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है वहीं पर हर्डल फेस हुआ और साथ ही साथ वहीं पर ट्रेंड लाइन का भी हर्डल है। इसीलिए अब ट्रेंड लाइन का हर्डल कैसे है पहले वो समझिए। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई नज़र आई है अक्टूबर 23 से। यहाँ हर्डल फेस हुआ था पहला, नेक्स्ट हर्डल फिर यहाँ कहीं हुआ, इसके बाद जब फर्दर हर्डल हुआ था तो वो यहाँ कहीं फेस हुआ था। तो ऑलरेडी इस स्टॉक में 3 बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास हर्डल फेस हो चुके, इसीलिए आज भी वही हर्डल काम करते हुए नज़र आया। तो ऊपर की दिशा में स्टॉक ने यहाँ से हर्डल फेस किया और क्लोजिंग दिखा दी 264। तो स्टॉक तो सही चला। अब ये समझते हैं कि स्टॉक चला क्यों इतना सडनली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BHEL शेयर हिट्स 52-week हाई आफ्टर राइजिंग ओवर 13%। तो यहाँ आप देखेंगे देर आर मल्टीपल रीजन एट अ प्ले बिहाइंड द ऑनगोइंग सर्ज इन BHEL शेयर। तो पहला आता है, वन ऑफ द रीजन इज द NTPC अप्रूवल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 17,195 crore टूवर्ड्स द थर्ड फेज ऑफ अ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसमें था BHEL था वो एक अकेला बिल्डर था कंस्ट्रक्शन के लिए सिंगरौली प्लांट के लिए, और जिसमें अप्रूवल था NTPC का और 17,195 crore का इनका यहाँ पे टाइप था। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले NLC इंडिया हैज़ अवार्डेड इट द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट वर्थ 15,000 crore। तो यहाँ पे तालाबीरा प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे एक पैचअप हुआ था जो कि BHEL की थ्रू था और NLC इंडिया के। तो यहाँ पे इसी वजह से आप देखें कंसिस्टेंटली स्टॉक में मूव बने हुए आएंगे, और आज का जो मूव हैगा वो NTPC के वजह से है क्योंकि काफ़ी बड़ी बेड लगी हुई है 17,000 crore के अराउंड की, इसी वजह से ये सडन मूव था। अब कल क्या होगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक सही चलता है, तेज़ी दिखाता है, ऊपर की दिशा पकड़ता है, तो पहला हर्डल होगा अपना 275। क्यों होगा? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, ट्रेंड लाइन का हर्डल है और आज भी इधर ही से रिवर्सल आया। इसीलिए नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड, ऊपर आप 10 पॉइंट मान लीजिए तो 285, और 285 के बाद अपना स्टॉक जाएगा यहाँ से 295, और 295 के बाद होगा अपना 300 फिर से बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है तो ऑब्वियसली सेलर दिखेंगे, इसीलिए मैंने 295 मेन टारगेट रखा। अब यहाँ से बाय एनी मीन्स अगर रिवर्स आ जाता है, और रिवर्स अगर आता है तो कुछ ऐसा सा आएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हर्डल फेस करता है, और यहाँ से अगर पुलबैक बनता है तो क्या होगा? पुलबैक अगर बनता है तो आपको सपोर्ट पता होना चाहिए क्योंकि स्टॉक चैनल के अंदर चल रहा है। यहाँ पे आप देखें फॉर्मेशन क्वाइट सिंपल है, ये कुछ फॉर्मेशन में चल रहा है और ये चैनल है स्टॉक का, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर रिवर्सल बनते हैं कोई भी तो स्टॉक में आपको सपोर्ट पता होना चाहिए। तो बाय एनी मीन्स अगर पुलबैक दिखाता है तो पहला सपोर्ट अपना नीचे की दिशा में होगा यहाँ से 255 के अराउंड, नेक्स्ट सपोर्ट फिर जो अपना फर्दर होगा वो रहेगा 250 पे साइकोलॉजिकल लेवल, और फर्दर अगर स्टॉक और नीचे इसके बाद भी जाता है तो फिर आप देखें 242-245। अब ये हुई नीचे की दिशा की बात, बट इतने नीचे सडनली तो नहीं आएगा स्टॉक, कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगा, और ऊपर की बात है अगर तो स्टॉक कोशिश करेगा ये हर्डल तोड़ने की, ये टूट जाती है तो फिर अच्छा चलेगा, नहीं चलता है तो यहाँ कुछ दिन साइडवेज रह सकता है, बट सडनली इतने नीचे नहीं आएगा। बट ओवरऑल आपको सपोर्ट हमेशा अपने पता होने चाहिए क्योंकि मार्केट में अनस्टेबिलिटी पता नहीं कब आ जाए, वोलेटाइल मार्केट चल रहे हैं आप पता है, और निफ्टी भी आप देखें ऑल टाइम हाई के पास ही पहुँचता है, हर डे नया हाई बनता है निफ्टी में, इसीलिए अनस्टेबल होने में कोई भी देरी नहीं लगती है। इसीलिए सपोर्ट आपको पता होने चाहिए कि आपको एग्जिट कब करना है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।